आजकल भाई यही सोचते हैं लोग बाग कि यार दोबारा क्यों नहीं आ रहा बंदा, दोबारा आए ऐसा काम करके दो जो दोबारा आए, बार बार आए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको रियलमी 8i का फोल्डर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। देखिए काफ़ी बंदों के मन में क्वेश्चन होता है पेस्टिंग वारंटी क्या चीज़ होती है। देखिए ये इस पे लिखा है ना पेस्टिंग वारंटी, और जब पेस्टिंग वारंटी होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम आती है अगर फ़ोन के अंदर तो फिर दुकानदार चेंज नहीं करता, फिर कस्टमर कहता है यार पेस्टिंग वारंटी किस चीज़ की दी थी। तो आज मैं इस मिथ को क्लियर कर दूंगा आपके दिमाग से कि ये पेस्टिंग वारंटी होती क्या है। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा पेस्टिंग वारंटी का मतलब क्या होता है। पेस्टिंग वारंटी का मतलब होता है सिर्फ दुकानदार के लिए होता है, ना कि किसी कस्टमर के लिए। ठीक है, जो होलसेलर्स होते हैं उन्होंने दुकानदारों के लिए एक चीज़ रखी है कि पेस्टिंग वारंटी है। अगर आपका जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नया फोल्डर खरीदा और भाई वो चला नहीं ठीक से, या तो उसका टच ठीक से काम नहीं कर रहा है, या फिर ऑटोमेटिक टच अपने आप काम कर रहा है, या टच काम करना बंद कर दे चेक करते करते, ठीक है, या रुक रुक कर काम करे, या फिर डिस्प्ले में कोई फेड कलर आ रहा है, या फिर लाइन वगैरह कुछ आ रही है, तो उस चक्कर में वो चेंज कर देते हैं, उसे बोलते हैं पेस्टिंग वारंटी, है ना। मगर ऐसा नहीं होता कि कई बंदे ये सोचते हैं कि कस्टमर को दे देते हैं गारंटी कई दुकान वाले कि भाई 2 महीने गारंटी, उसके बाद जब कस्टमर कुछ तोड़ ओड़ के ले आता है या फिर उस पर लाइन वाइन वगैरह आ रही होती है या टच अपने आप प्रॉब्लम करता है, तो जब दुकानदार निकालेगा ना जो फोल्डर, आपने देखा होगा मशीन से कैसे उतरता है, मैंने कई वीडियोज़ बना रखी हैं ऐसी, तो फोल्डर उतारते वक्त है ना साइडों में पेस्ट लगा रह जाता है इस तरीके से। ये पेस्टिंग वारंटी वाला फोल्डर है, देखिए इस पे लिखा है ना पेस्टिंग वारंटी, तो ये सिर्फ दुकानदारों के लिए होता है। अब दुकानदार निकालते वक्त कुछ ना कुछ गलती करेगा, या तो उससे टूटेगा, या फिर भाई सही सही सलामत तो वो उतारेगा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें निशान आएगा ज़रूर, तो वहाँ पर दुकानदार भी फंस जाता है आज के टाइम पर कि भाई अब ये उतारते वक्त ये दिक्कत आ गई, अटक गया यहाँ से टूट गया, तो वो चेंज नहीं हो पाता उनका। तो पेस्टिंग वारंटी का मतलब टोटल मिला के आपको बताऊँ ना तो ये बेवकूफ़ बनाना होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा, ये सब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है तरीके की, बंदे को फंसाने की, दुकानदार छोटे दुकानदारों को फंसाने की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि पेस्टिंग वारंटी के नाम पे भेज दो कि भाई गारंटी है, मेरी गारंटी है, नो टेंशन, पेस्टिंग वारंटी, तेरे 3 महीने में कोई दिक्कत आ जाए, 6 महीने में दिक्कत आ जाए वापस चेंज करा देना। मगर जब आप चेंज कराते हैं ना दुकानदार, भाई उस वक्त फिर उससे इतनी सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे थाने में जाके पूछ लिया जाता है ना इस टाइम पे क्या कर रहे थे, इस टाइम पे क्या आप क्या कर रहे थे वहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें उससे पूछ ली जाती हैं और वो वहाँ बंदा फेल हो जाता है, फिर उसकी कोई पेस्टिंग वारंटी नहीं रह जाती। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ, अगर आप एज अ कस्टमर हैं या एज अ दुकानदार हैं, दोनों के लिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि देखिए पेस्टिंग वारंटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप ये तरीका आजमाओगे। तो देखिए जब भी कभी आप नया फोल्डर ख़रीदते हैं ना, अब देखिए ये पुराना फोल्डर है ना, ये पुराना फोल्डर है, ये किसी नए बंदे ने लगाया है, कोई नया बंदा था सीखने वाला, उसने इस बंदे का काम किया था पहले वाला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो बंदा नया सीखा हुआ था। देखिए जब होल्डर को पेस्ट किया जाता है ना, इसके पीछे ये स्टिकर होता है एक, तो इसको ग्राउंड चाहिए होता है वरना टच अपने आप काम करना शुरू कर देगा। एक ये पन्नी होती है कि मैं आपको स्क्रीन पे कुछ नोटिस टाइप का कुछ दे दूंगा अटेंशन का कि इसमें क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। दुकानदार हो तो भाई ध्यान से सुन लो, कस्टमर का नुकसान मत किया करो भाई, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना इसे भाई आजमा लिया करो और पूरा पक्का काम कर लेना ताकि किसी के पैसे बर्बाद ना हो। भाई पब्लिक के पैसे आराम के पैसे नहीं होते, बड़ी मुश्किल से जोड़ के बंदा पैसे लेके आता है। जब डिस्प्ले टूटती है ना घर में, मान लीजिए बच्चों ने फ़ोन गिरा दिया, उस वक्त एकदम से बुरे हाल चल रहे होते हैं बंदे के, मगर फ़ोन इतनी ज़रूरी चीज़ बन गया आज के टाइम पे कि उसके बिना रहा नहीं जाता घर पे, बीवी बच्चों की खैर लेने के लिए फ़ोन घर में रखता बंदा, अब वो टूट जाए तो भाई उसकी डिस्प्ले डलानी भी ज़रूरी होती है ना। अपने काम धंधे पे गया हुआ, उसके पास पैसे इतने हैं नहीं, उसमें भी आप अगर उसके साथ ऐसा धोखा कर दो कि भैया स्टिकर वगैरह ना हटाओ तो भैया 15-20 दिन में फिर दोबारा से दिक्कत आ जाएगी फोल्डर में, फिर से आप पैसे मांगोगे, तो ये चीज़ें ना करें भाई। जो तरीका फोल्डर लगाने का, देखिए काम करने का जो तरीका है ना यार, अपने काम पर तो रहा करो भाई, 100-200 रुपये फालतू ले लो। मैं इस चीज़ के लिए कभी नहीं बोलता कि भाई पैसे मत लो तो कि तुम खाली मेरी तरह काम करने शुरू कर दोगे, आप किसी किसी से पैसे ही ना ले रहे हो भाई, इतने बड़े दानवीर बनने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 100-200 रुपये फालतू ले लो, मगर भाई साहब गलत मत करो किसी के साथ। हमारा बंदा 1500-2000 रुपये कहाँ से लेके आएगा, ये प्रॉब्लम बन जाती है। कस्टमर का एक भरोसा भी टूटता है आपके ऊपर से, कस्टमर का भरोसा बनाना आज के टाइम पर बहुत बड़ी बात होती है, और जब अच्छे तरीके से काम करोगे ना तो भाई भरोसा भी बनेगा। अब ये देखिए पुराने बंदे ने, ये पुराना फोल्डर जो मैंने इसमें से निकाला, ठीक है, ये रेडमी 8i का है, इसमें देखिए उसने ना तो ये स्टिकर हटा रखा है इसका, ये देखिए ऐसे स्टिकर हटाने होते हैं, ये ज़रूरी होते हैं भाई, और उस बंदे ने ऐसे ही पेस्ट कर दिया, बस गम डाला और पेस्टिंग बंद करके रबड़ मार के दे दिया कस्टमर का। इसका बेचारे का हल्का सा भी गिरेगा ना तो भी टूटेगा, और टूटने के बाद काम भी नहीं करेगा। देखिए ये वाला स्टिकर भी निकालना होता पत्ते का, जो भी स्टिकर फोल्डर कंपनियों ने लगा कर दे रखे ना वो हटाने ज़रूरी होते हैं भाई। अब देखो ये ऐसे चिपक गया यहाँ पे, अब ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड होता है भाई,
इसे ग्राउंड बोलते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मल्टीमीटर है, जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं ना वो समझ जाएंगे थोड़ी बहुत बात। ये देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट किया, अब देखिए ये जो पत्ता है ना ये ग्राउंड होता है भाई, बीप देगा, ये दे रहा बीप। ये पत्ता प्लास्टिक का नहीं होता, ये मेटल का होता है पत्ता, ये ठीक है, ये मेटल की पेस्टिंग होती है, ये ग्राउंड से टच हो जाती है। ये देखिए ग्राउंड शो कर रहा है पूरा, है ना, जैसे ये ग्राउंड शो कर रहा है। तो इसको, इस ग्राउंड को इससे टच करना ज़रूरी होता है भाई, टच नहीं करोगे ना तो टच आपका टच में प्रॉब्लम आ जाएगी और यहाँ से गर्म होने लगेगी डिस्प्ले थोड़े ही दिनों में। तो भाई ऐसा ना करें, किसी के साथ नुकसान ना करें भाई, किसी का फ़ायदा ना करें तो नुकसान भी मत करो भाई, काम करो तो ढंग से किया करो। मैं तो ये मानता हूँ कि किसी का देखिए 500 रुपये दुखते नहीं है, कोई भी कस्टमर आपको दे देगा 500 रुपये, मगर तरीके से काम कर दो तो उसको तसल्ली हो जाती है कि यार 6 महीने अगर चल जाता है ना तो फिर बंदे के थोड़े पैसे से वसूल हो जाते हैं। दुकानदार क्या सोचते हैं आज के टाइम पे कि भाई 10-15 दिन में दोबारा आ जाए, फिर गलती बता दूंगा उसकी कि भाई तेरी गलती, तुमने गिरा दिया, तूने ये कर दिया वो कर दिया या दबा दिया होगा, है ना, ये चीज़ें चलती हैं दुकान पे। तो भाई ऐसा ना करें। देखिए मैं इसमें फोल्डर पेस्ट करूँगा, जैसे कि मैं इसकी सारी टेप वगैरह सब कुछ हटा दूँगा भाई, ये टेंगी हटेंगी, मैं कभी नहीं छोड़ता इनको। अगर यहाँ मेटल बॉडी दे रखी है ना, इस पर मेटल का बैग दे रखा है, तो भाई मैं ये टेप ज़रूर हटाता हूँ, और मेटल की अगर ना हो ना तो फिर ये टेप हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, वो फिर पत्ते में ही ग्राउंड होता है उसके कनेक्टर में। ये चीज़ है ना, मैं साइड में आपको दिखा दूँगा, एक इंस्ट्रक्शन बनाया है मैंने आपके लिए, ये दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये हटा के अब ये वाली टेप भी हटेगी इसकी, ये वाली भी हटेगी, अब मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से अगर काम करेंगे ना तो कभी भी कस्टमर वापस नहीं आएगा आपकी दुकान पर परेशानी लेकर। मगर आजकल भाई यही सोचते हैं लोग कि यार दोबारा क्यों नहीं आ रहा बंदा, दोबारा आए ऐसा काम करके तो जो दोबारा आए बार बार आए, है ना भाई, ऐसा काम ना करो। घर में 3-4 फ़ोन होते हैं बंदे के, हर किसी के, एक ना लेके आएगा दूसरा ले आएगा, कभी ये मत सोचा करो भाई कि एक बार कस्टमर का सही से ढंग से काम कर दिया तो वो आएगा ही क्यों, दोबारा उसको बुलाने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, या तो नट निकाल लो उसके, उनके नट वगैरह मत लगाओ। मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखी हैं इस तरीके की, आप देख सकते हैं जाके। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे लाइक, इस वीडियो को लाइक करके बताना कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, और मैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नए मेहमान है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वेलकम है आपका। आपको मेरे चैनल पर ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।